ये जगत तुम जो इसके साथ करते हो वही तुम्हारे साथ करता है। कर्म अपने आप में फलदायी नहीं हो सकते, कर्म फलदायी है क्योंकि जगत में एक बुद्धिमत्ता छिपी है जो प्रत्येक कर्म के लिए पुरस्कार देती और दंड देती। चार बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, कि तुम जब भला करते हो तो भला करने के कारण ही तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं आते। तुम भला करते हो इससे परमात्मा, इससे छिपी हुई जगत की बुद्धिमत्ता तुम्हारे साथ भला करती। अगर जगत बुद्धिहीन होता तो तुम करते रहते भला, कुछ परिणाम नहीं हो सकता था। और तुम इसे अनुभव से भी देख सकते हो। तुम किसी बुद्धू के साथ भला करो और तुम उतना ही भला किसी बुद्धिमान के साथ करो, तुम पाओगे दोनों में फल का भेद पड़ गया। क्योंकि बुद्धू शायद समझे ही नहीं कि तुमने भला किया, या कभी यह भी हो सकता है कि बुद्धू तुम्हारे भले को बुरा समझ ले और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। बुद्धिमान समझेगा। बुद्धुओं को देखकर ही समझदारों ने कहा होगा नेकी कर और कुएं में डाल, फिक्री मत करना इन बुद्धुओं के साथ अगर अच्छा भी किया है तो अच्छे की अपेक्षा मत करना, इनसे अच्छा शायद ही हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुद्धू बुद्धिहीन आदमी से अगर तुम अच्छा व्यवहार करो तो वो निश्चित तुमसे बुरा व्यवहार करेगा। क्यों ऐसा हो जाता है? तुम जब अच्छा व्यवहार करते हो किसी बुद्धिहीन से तो उसके अहंकार को चोट लगती है, अच्छा तो तुम बड़े अच्छे होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने अपने को समझा क्या है, बड़े साधु होना प्रमाणित कर रहे हो। वो तुम्हारी साधुता को बिखेरने के लिए उत्सुक हो जाएगा, वो तुम्हें नीचा दिखाने को सुख हो जाएगा। अगर तुम बुद्धिमान के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो अनंत गुना परिणाम होगा। यह तो रोज देखने में आता है, वादरायण कहते हैं ऐसा देखने में भी आता है। तुम जितनी जड़ स्थिति में अपनी भलाई डालोगे उतना ही छोटा परिणाम होगा। जैसे तुम ज्यादा समझदार व्यक्ति के साथ व्यवहार करोगे उतने ज्यादा परिणाम होने लगेंगे। तो इस जगत में बुरे का फल बुरा होता है ऐसा देखा गया, भले का फल भला होता है ऐसा देखा गया, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि कर्म अपना ही फल खुद को दे लेते। कर्मों की क्या क्षमता, कर्मों के फल होते हैं क्योंकि यहां छिपी हुई बुद्धिमत्ता। प्रत्येक कर्म के उत्तर में संवेदित होती, झंकृत होती, वही झंकार तुम तक आती, शुभ की तरह या अशुभ की तरह। अगर अस्तित्व जड़ हो और अस्तित्व में कोई परमात्मा ना हो और अस्तित्व को बिल्कुल उपेक्षा हो तुम्हारे प्रति, जड़ ही हो तो उपेक्षा होगी ही, फिर तुम अच्छा करो या बुरा परिणाम केवल संयोगिक होंगे, उनमें कोई अपरिहार्यता नहीं रह जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ कोई बुद्धिमत्ता नहीं है जो कि परिणामों को सुनिश्चितता दे सके। बादरायण की बात में बड़ा बल है। जिन्होंने देखा है उन्होंने ऐसा ही देखा है, इतना ही देख के मत रुक जाना कि अच्छे कर्म का अच्छा फल हुआ और बुरे कर्म का बुरा फल हुआ। जरा और गहरे खोजना तो तुम पाओगे कि अच्छे कर्म के पीछे अच्छा फल आया है क्योंकि कोई बुद्धिमान शक्ति चारों तरफ से उस अच्छे फल को सराही है, उस अच्छे फल का स्वागत, उस अच्छे कर्म का स्वागत हुआ है। फिर ऐसा भी हो जाता है कि तुम कभी अच्छा करते सोचते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो,
लेकिन परिणाम बुरे होते। तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्म का शुभ फल मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। लोग बड़े चिंतित भी हो जाते हैं। मेरे पास लोग आके कहते हैं कि हमने अच्छा किया, कहते हैं कि अच्छे का फल अच्छा होगा लेकिन हुआ नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम अपनी अच्छाई को खोजना। तुम सोचते थे तुमने अच्छा किया लेकिन वो अच्छा था नहीं, इसलिए अस्तित्व ने तुम्हें जो प्रतिकार दिया है वो अच्छा नहीं। तुम जरा अपनी अच्छाई में कोई गहरी बुराई छिपी होगी। तुम इस जगत की बुद्धिमत्ता को धोखा नहीं दे सकते। जैसे तुमने दान दिया किसी को, अब दान दो कारणों से दिया जा सकता है या अनेक कारणों से भी दिया जा सकता है, लेकिन मौलिक रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक कि तुमने दया के कारण दिया, तुम्हें दूसरे की दुख की बात छू गई, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हें लगा कि कुछ करना जरूरी है, तुम्हें दूसरे का दुख छुआ, तुमने दूसरे का दुख हरने को कुछ किया। या ये भी हो सकता है कि दूसरे को दुखी देखकर तुम्हारे अहंकार को आनंद आया और तुमने अहंकार के कारण कुछ किया कि ले भाई तू दुखी है, देख हम दानी, हमारी तरफ देख। याद रखना कि जब तू दुखी था तो हमने तेरी सहायता की थी। दान या तो दूसरे के दुख के कारण सहज स्फूर्त हुआ, अहंकार से जन्मा कि तुम्हें दानी होने का मौका मिला। कुछ लोग हैं जो दानी होने की तलाश में होते, उनकी आकांक्षा यही है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुखी हो। एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे कहा कि आपके देश में सेवा को कोई मूल्य नहीं दिया गया है, न महावीर ने, न बुद्ध ने, न कृष्ण ने, सेवा को कोई मूल्य नहीं दिया। उपनिषदों में, वेदों में सेवा की कोई चर्चा नहीं है जैसा कि ईसाइत में। सेवा धर्म है, सेवा के बिना कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता। मैंने उससे पूछा कि अगर दुनिया में सब सुखी हो जाएं फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम कैसे मोक्ष जाओगे? कोई दुखी ही ना होगा, किसी को सेवा की जरूरत ना होगी। थोड़ी देर कल्पना कर लो दुनिया में सारे लोग सुखी हो गए, फिर तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। वो थोड़ा चौंका, इस तरह उसने कभी सोचा नहीं था। कहने लगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में सब सुखी हो जाए। मैंने कहा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें मोक्ष जाने का उपाय टूट जाएगा, तब तो तुम दूसरे का दुख भी शोषण कर रहे हो। तुम्हारी सेवा में नजर स्वार्थ की है, तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो ताकि स्वर्ग मिल जाए। तुम्हें दूसरे के दुख पर दया नहीं है, तुम्हें अपने सुख की चाह है, अपने स्वर्ग की चाह है। अगर स्वर्ग दूसरे के दुख में सेवा करने से ही मिलता है तो निश्चित ही सेवक चाहेगा दुनिया में दुख बना रहे। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि सेवक चाहे कि दुनिया में दुख बना रहे, नहीं तो उसकी सेवा टूट जाएगी। ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया, लेकिन यही हालत है। अगर तुमने सेवा इसलिए की है कि तुम्हें स्वर्ग जाना है और तुमने दान इसलिए दिया है कि इससे प्रतिष्ठा मिलती, अखबार में नाम छपता है, समाज में आदर मिलता है, पुण्य अर्जित होता है, स्वर्ग में उसका प्रतिकार मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, तो तुमने शुभ कर्म नहीं किया। गहरे में तो तुम्हारा स्वार्थ है, परार्थ जरा भी नहीं। गहरे में तो तुम्हारा अहंकार है, इसमें दूसरे के दुख से कुछ लेना देना नहीं। तब निश्चित तुम इस जगत की बुद्धिमत्ता को धोखा ना दे पाओगे। अगर जड़ नियम होता जगत में तो शायद तुम्हें इससे पुण्य फल भी मिल जाता, लेकिन जड़ता नहीं है, यहां जगत में छिपी बुद्धिमत्ता है। तुम क्या करते हो उसको ही नहीं देखती, तुम्हारे करने के भीतर छिपी हुई अभीप्सा को देखती। तुम क्या करते हो उसको नहीं देखती, तुम क्यों करते हो उसको भी देखती। तुम्हारा कृत्य और तुम्हारा कर्म क्या है यह बात गौण है, तुम क्या हो यह बात महत्वपूर्ण है। इस बुद्धिमत्ता को तुम धोखा नहीं दे पाते, इसलिए तुम पाओगे, और अक्सर तुमने देखा होगा कि कभी कभी भला आदमी जो सब तरह से भला करता और बड़ा दुख पाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बुरा आदमी
जिसके संबंध में तुम्हें कुछ भी पता नहीं उसने कभी भला किया है, वो भी कभी बड़े आनंद में पाया जाता है। ये भेद इसलिए पड़ जाते हैं, ये भेद इसलिए पड़ जाते हैं कि जगत में बुद्धिमत्ता काम कर रही है, परमात्मा विराजमान है। उन आंखों को तुम धोखा ना दे पाओगे, उस बोध के साथ तुम चालाकी ना कर पाओगे, तुम्हारी सब चालाकियां पड़ी रह जाएंगी, तुम्हारी सब हुसारियां दो कौड़ी की। इसलिए ख्याल रखना, पुण्य के पीछे भी पाप का भाव हो सकता है, और कभी कभी ऊपर से दिखाई पड़ने वाले पाप के पीछे भी पुण्य की ऊर्जा हो सकती है। असली बात अभिप्राय की है।